आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स एंड कैनाल इरिगेशन, मतलब कि कितना वाटर रिक्वायर होता है क्रॉप्स के लिए, इरिगेशन के लिए, और कैनाल में पानी कैसे फ्लो करता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, और कितना फ्लो करते हैं। ठीक है ना, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप मतलब क्या है। द टर्म वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रॉप मीन्स द टोटल क्वांटिटी एंड द वेज इन विच अ क्रॉप रिक्वायर्स वाटर फ्रॉम द टाइम इट्स सोन टू द टाइम इट इज हार्वेस्टेड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स डिफरेंट क्रॉप्स विल हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट एंड द सेम क्रॉप मे हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑफ द सेम कंट्री और सेम फील्ड डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन क्लाइमेट्स, टाइप्स ऑफ सॉइल, मेथड ऑफ कल्टिवेशन एंड यूजफुल रेनफॉल। ठीक है, तो लिमिटिंग सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस क्या हैं, कितना पानी हम लोग को ज़्यादा डालना चाहिए, कम डालना चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए। देखो, द ग्रोथ ऑफ मोस्ट क्रॉप्स इज रिलेटेड बाई आइदर एक्सेस और डिफिशियंट अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। अगर देखो एक्सेस डाल देंगे तो क्या होगा, ग्रोथ जो है कम हो जाएगी। अगर हम लोग कम डालेंगे सॉइल मॉइस्चर कंटेंट तो भी ग्रोथ कम हो जाएगी। इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स सॉइल मॉइस्चर कंडीशन देयर इज अ मॉइस्चर कंटेंट डिजिग्नेटेड एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन विच प्लांट ग्रोज रैपिडली रिजल्टिंग इन द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। तो ये ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ क्रॉप पाने के लिए हमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, ये कर्व यही शो कर रहा है ना। क्रॉप सीजन्स एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया क्या है, कितने क्रॉप सीजन्स हैं। मेनली देर आर टू क्रॉप सीजन्स इन इंडिया, रबी एंड खरीफ। इफ क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग दीज क्रॉप सीजन्स आर डिजिग्नेटेड एज रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप आर ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप। ठीक है, यानी क्या है, रबी जो होता है वो विंटर का सीजन होता है, खरीफ जो होता है वो मानसून का सीजन होता है। समटाइम्स इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप इंटरमीडिएट क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन, दीज आर कॉल्ड हॉट वेदर क्रॉप्स। ठीक है, हॉट वेदर क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स आर कम्बाइंडली डिजिग्नेटेड एज समर क्रॉप्स। ठीक है, देयर आर सर्टेन क्रॉप्स विच हैव लॉन्गर पीरियड बिटवीन देयर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम विच एक्सटेंड फ्रॉम वन क्रॉप सीजन टू द अदर, जैसे शुगर केन और कॉटन। शुगर केन तो पूरे साल भर ही उगाया जाता है, तो ना खरीफ में आया ना रबी में आया, दोनों में ही है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, जो खरीफ क्रॉप होती है उनमें 2 से 3 टाइम पानी ज़्यादा यूज होता है रबी क्रॉप से। तो रबी क्रॉप जो होती है वो अक्टूबर से मार्च के मंथ में होती है, और जो हो गया विंटर सीजन, और जो खरीफ क्रॉप है वो हो गई सितंबर से अगले मार्च तक। ठीक है, अब नहीं, कुछ गलत हो गया, रबी क्रॉप जो होंगी अक्टूबर से मार्च तक, और खरीफ क्रॉप जो होंगी मार्च के बाद अप्रैल से सितंबर तक, ये है। ठीक है, ऊपर गलत बता दिया। नाउ एक और सीज़न होता है जिसको बोलते हैं जायद, और हॉट वेदर सीज़न जिसको हम लोग पहले पढ़े थे, ये सीज़न जो होता है मार्च से जून तक होता है। ठीक है, तो मेन खरीफ क्रॉप कौन कौन सी हैं, देखो पहले रबी पढ़ते हैं, क्योंकि रबी जो है अक्टूबर से है, तो विंटर सीजन है। तो खरीफ क्रॉप है हमारी, रबी क्रॉप है हमारी पोटैटो, व्हीट, पल्सेस, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड। ठीक है, और खरीफ क्रॉप जो है हमारी सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, राइस, कॉटन एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड क्या होता है। क्रॉप पीरियड
is defined as total time that elapses between the sowing of crop and its harvesting. ठीक है, और बेस पीरियड क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग डन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लैंड फॉर सोइंग ऑफ द क्रॉप एंड द लास्ट वाटरिंग डन बिफोर इट्स हार्वेस्टिंग. ये हो गया बेस पीरियड. तो क्या पता चला हमने? क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन बेस पीरियड फॉर एनी क्रॉप, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज दे आर टेकन एज सेम. ठीक है, और ये क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन डेज में. और बेस पीरियड इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट. टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप निकालने के लिए हमें इनका पता होना चाहिए, बेस पीरियड का कितना है उसका. एक चीज़ नोट करो, द टर्म लाइक ग्रोथ पीरियड, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड एक्सेट्रा कैन बी यूज एज सिनोनिम, ईच रिप्रेजेंटिंग क्रॉप पीरियड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई बी, कैपिटल बी, और इसकी यूनिट है डेज. नाउ ड्यूटी और डेल्टा क्या होता है? देखो ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी होती है इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर्स विच कैन बी इरीगेटेड फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप इन 1 cubic meter per second of water, 1 cubic is supplied continuously to the land for the entire base period of the crop. मतलब क्या हुआ? If 1500 hectare of land can be irrigated for growing any crop by 1 cubic of water supplied continuously for the entire base period of the crop, then ड्यूटी ऑफ द वाटर फॉर दिस क्रॉप इज 1500 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, एक चीज़ नोट करो, द ड्यूटी इज यूज टू फाइंड आउट डिस्चार्ज रिक्वायर फ्रॉम द कैनाल इफ वेरियस क्रॉप एंड देयर एरिया इज नोन. डिस्चार्ज रिक्वायर फॉर देम कैन बी कैलकुलेटेड एंड एडेड अप टू ऑब्टेन द टोटल डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैनाल. ठीक है, नाउ डेल्टा क्या होता है? इट इज़ द टोटल लेंथ, टोटल डेप्थ, इट इज़ द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ओवर एन इरीगेटेड लैंड एट डिफरेंट वाटरिंग्स थ्रू आउट द इंटायर बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप एंड इट इज़ डिजाइनेटेड एज इन द सिंबल ऑफ डेल्टा, और एक्सप्रेस करते हैं इन सेंटीमीटर और इन मीटर. तो राइस का कितना होता है? डेल्टा 120 सेंटीमीटर, शुगर केन का डेल्टा 120 सेंटीमीटर. ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का होता है. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, इफ़ डी इज़ द ड्यूटी ऑफ वाटर ऑन द फील्ड इन हेक्टेयर पर क्यूमिक्स एंड डेल्टा इज़ द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर्स सप्लाई टू द क्रॉप ग्रोइंग ऑन द फील्ड ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड बी, देन द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप इन डेज, बेस पीरियड नहीं तो ड्यूटी ऑफ कितनी होगी? ड्यूटी विल बी इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा. ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर, क्या हम लोग करें ऐसा जैसे ड्यूटी ऑफ वाटर जो है बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्यूटी ऑफ वाटर को? टाइप्स ऑफ क्रॉप, दैट क्रॉप विच रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विल हैव लोअर ड्यूटी ऑफ वाटर. ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया, जो टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल ऑफ द एरिया जो है वो जो है अफेक्ट करती है ड्यूटी ऑफ वाटर को. कैसे? हायर द टेम्परेचर लेसर द ड्यूटी, हायर द विंड वेलोसिटी लेसर द ड्यूटी, हायर द ह्यूमिडिटी हायर विल बी द ड्यूटी, क्योंकि इवेपोरेशन लॉस जो है कम होगा. इफ़ रेनफॉल कॉन्ट्रीब्यूट सम वाटर देन ड्यूटी विल बी मोर.
क्योंकि इरिगेशन ऑफ वाटर जो है कम रिक्वायर्ड होगा, पानी बरस गया है, बरस ही गया है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इरिगेशन ये कैसे अफेक्ट करता है ड्यूटी को। द पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम गिव्स हायर ड्यूटी रेदर देन इनुंडेशन इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, नाउ मेथड ऑफ इरिगेशन ये कैसे अफेक्ट करता है। द ड्यूटी ऑफ वाटर इज हायर फॉर फ्रो मेथड देन एनी अदर फ्लडिंग मेथड। इन फ्रो मेथड वाटर इज नॉट अप्लाइड टू द एंटायर लैंड सरफेस, हैंस वाटर लॉसेस आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। एज कंपेयर टू द सरफेस इरीगेशन मेथड द ड्यूटी ऑफ वाटर इज हाई फॉर स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन मेथड, बिकॉज फॉर परमेबल सॉइल ड्यूटी इज लेस, वाटर इज लॉस्ट इन परकुलेशन। ठीक है, नाउ क्वालिटी ऑफ इरीगेशन वाटर ये कैसे अफेक्ट करती है। देखो, इफ द इरीगेशन वाटर कंटेन्स एन एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ हार्मफुल सॉल्ट्स एंड एल्कलीज डिजॉल्व इन इट देन इट रिक्वायर टू बी अप्लाइड इन लार्ज क्वान्टिटी सो दैट साल्ट आर लीज्ड ऑफ। सो हाउ एवर रिजल्ट इन लोअर ड्यूटी ऑफ वाटर ड्यू टू वेस्टेज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ मेथड ऑफ कल्टिवेशन ये कैसे अफेक्ट करेगा। इफ द लैंड इज प्रॉपरली प्लव्ड अप टू रिक्वायर्ड डेप्थ एंड मेड क्वाइट लूज बिफोर इरीगेटिंग द सॉइल विल हैव हायर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स। दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ वाटरिंग्स एंड हेंस रिजल्ट इन द हायर ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है, टाइम ऑफ इरीगेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ कल्टिवेशन कैसे अफेक्ट करेगा। इन द इनिशियल स्टेजेस द लैंड टू बी कल्टिवेटेड मे नॉट बी प्रॉपरली लेबल्ड एंड हेंस मोर देन द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ वाटर मे बी अप्लाइड विच विल रिजल्ट इन द लोअर ड्यूटी ऑफ वाटर एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ लैंड frequent cultivation of land reduces the loss of moisture through weeds and evaporation from the soil, hence results in high duty of water. ठीक है, type of soil and subsoil of the area through which canal passes ये कैसे affect करेंगे। देखो, if canal is unlined and it passes through coarse grained soil then there will be greater percolation loss, greater percolation and loss, then the duty of water will be low. On the other hand, if unlined canal is passing through fine grain soil then the percolation loss will be less, hence the duty will be high. Canal conditions ye kaise affect karengi. In an earthen canal the percolation loss is high which will result in a lower duty of water, but if canal is lined the percolation loss will be less, then the duty of water will be high. Topography of land ye kaise affect karegi. If the land to be irrigated is properly leveled then uniform application of water will be possible which will result in इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर एंड हेंस अ हायर ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है, बेस पीरियड ऑफ अ क्रॉप ये कैसे अफेक्ट करेगा। इन जनरल व्हेन द बेस पीरियड ऑफ अ क्रॉप इज लॉन्ग मोर वाटर इज रिक्वायर्ड दस रिजल्टिंग इन द लोअर ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस। देखो, ये रिवर है, रिवर से पानी डाइवर्ट किया मेन कैनाल में, फिर ब्रांच कैनाल में, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में, फिर वाटर कोर्स में। ठीक है, तो अब हर पॉइंट पे उसकी ड्यूटी क्या बढ़ रही है कि घट रही है। देखो, सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी होती है सबसे आउटलेट पॉइंट पे होती है, मतलब क्या फील्ड के पास में होती है, फिर उससे कम होती है ये जहाँ मेजर माइनर हो आउटलेट पॉइंट
जुड़ रहे हैं, वाटर कोर्स मीट कर रहे हैं। फिर ये डी पॉइंट पे ब्रांच कैनाल और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी जहाँ पे मिल रहे हैं, फिर मेन और ब्रांच कैनाल में के बीच में ई पॉइंट पे, फिर जहाँ सबसे कम होती है रिवर और मेन कैनाल जहाँ पे जुड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, मेन कैनाल में से पानी निकला, फिर उसका जो है इवेपोरेशन बीच में बहुत ज़्यादा होगा, तो इस मेन कैनाल का क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है, कम हो गई। लेकिन अगर मान लो यही जो है आउटलेट पॉइंट है, यहाँ का जो पानी निकला और सीधे फील्ड में पहुँच गया, इवेपोरेशन हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ, यहाँ की ड्यूटी जो है ज़्यादा हो गई, क्योंकि इवेपोरेशन लॉस हो नहीं रहा है, पानी पूरा पूरा सप्लाई हो रहा है। और मेन कैनाल का क्या हो रहा है, पानी बीच में इवेपोरेशन लॉस हो जा रहा है, जिससे ड्यूटी उसकी कम हो जा रही है। नाउ व्हाट आर द मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग द ड्यूटी ऑफ वाटर, क्या क्या मेथड है? लैंड शुड बी प्रॉपरली फ्लब्ड, ठीक है। लैंड शुड बी कल्टिवेटेड फ्रिक्वेंटली, ठीक है। सुटेबल मेथड ऑफ इरीगेशन शुड बी यूज, ठीक है। कैनाल शुड बी लाइंड, ठीक। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स मस्ट बी प्रैक्टिस, ठीक है। द अलाइनमेंट ऑफ कैनाल आइदर इन सैंडी सॉइल और इन फिजर रॉक शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। द कल्टिवेटर मस्ट बी ट्रेंड टू यूज़ इरीगेशन वाटर एफिशियंटली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है। द लैंड शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कल्टिवेटर्स बाई ग्रुपिंग टूगेदर देयर स्मॉल होल्डिंग्स सो दैट इरीगेशन वाटर मे बी यूज्ड मोर एफिशियंटली। चलो, इन सब तरीकों से हम लोग इरीगेशन वाटर की ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनका यूज होता है इरीगेशन इंजीनियरिंग में, क्या है? कमांड एरिया। कमांड एरिया क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया विच कैन बी इरीगेटेड बाई अ कैनाल सिस्टम, ठीक है। अब ये कमांड एरिया, कई टाइप के कमांड एरिया होते हैं। सबसे पहला होगा ग्रॉस कमांड एरिया। ये क्या होता है? द ग्रॉस कमांड एरिया इज डिफाइंड एज द टोटल एरिया विच कैन बी इरीगेटेड बाई अ कैनाल सिस्टम, ठीक है। अ कैनाल इज यूजली अलाइंड अलॉन्ग वाटर शेड इन बिटवीन टू ड्रेनेज वैलीज। इट इज़ द टोटल एरिया लाइंग बिटवीन द ड्रेनेज बाउंड्रीज। इट इंक्लूड्स कल्चरेबल एज वेल एज अनकल्चरेबल एरिया, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, रेजिडेंशियल एरिया, रोड्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब क्या ये कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है? द कल्चरेबल कमांड एरिया इज दैट पोर्सन ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया विच कैन बी कल्चरेबल और कल्टिवेबल। कल्चरेबल मतलब क्या है? इसको जो एरिया जो कल्टिवेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ग्रॉस कमांड एरिया इज इक्वल टू कल्चरेबल कमांड एरिया इज इक्वल टू ग्रॉस कमांड एरिया माइनस अनकल्चरेबल एरिया, वो एरिया जो फिट फॉर कल्टिवेशन नहीं है। नाउ कल्चरेबल कमांड एरिया मे बी सब डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया एंड कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया। चलो, अब इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन क्या होती है? देखो, नया टर्म है। इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया प्रपोज्ड टू बी इरीगेटेड एनुअली, ठीक है। तो ईयरली इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन मे बी ऑब्टेंड बाय एडिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन फॉर ऑल द क्रॉप सीजन्स। मतलब क्या है? इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन फॉर रबी इज 50% एंड फॉर खरीफ इज 60%, देन द ईयरली इंटेंसिटी उसकी कितनी हो जाएगी? 110% ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्रॉप रेशियो क्या होता है? क्रॉप रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द लैंड इरीगेटेड और एंटिसिपेटेड टू बी इरीगेटेड ड्यूरिंग द टू मेन क्रॉप सीजन्स, दैट इज रबी एंड खरीफ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रबी टू खरीफ रेशियो, ठीक है। नाउ पेलियो इरीगेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द वाटरिंग डन प्रायर टू सोइंग ऑफ द क्रॉप एंड दिस इज डन टू प्रिपेयर द लैंड और सोइंग एंड टू एड सफिशियंट मॉइस्चर टू द सॉइल विच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, ठीक है। ये हो गया पेलियो इरीगेशन। और कोर वाटरिंग,
कोर डेप्थ और कोर पीरियड क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखो कोर वाटरिंग क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द प्लांट्स हैव ग्रोन अ फ्यू सेंटीमीटर हाई, ठीक है। कोर डेप्थ क्या होती है, इट इज़ द डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग दिस वाटरिंग। कोर पीरियड क्या होता है, कोर पीरियड क्या होता है, इट इज़ द पीरियड इन विच कोर वाटरिंग इज अप्लाइड, ठीक है। जिस पीरियड में कोर वाटरिंग जो है यूज़ की जा रही है वो होता है कोर पीरियड। ना एक चीज़ नोट करेंगे हम लोग, सिंस ड्यूरिंग द कोर वाटरिंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट इरीगेशन, द डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ द कैनाल सप्लाइंग इरीगेशन वाटर हैज़ टू बी मैक्सिमम ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। वो तो बहुत सही बात है। आउटलेट फैक्टर क्या है, देखो आउटलेट फैक्टर इज़ द ड्यूटी ऑफ वाटर एट द हेड ऑफ फील्ड चैनल, ठीक है। फील्ड चैनल के हेड पे क्या उसकी ड्यूटी है, इसको जो है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर भी बोलते हैं। नाउ कैपेसिटी फैक्टर, ये क्या होता है, अ कैनाल इज डिज़ाइंड फॉर अ सर्टेन मैक्सिमम कैपेसिटी बट इट नीड नॉट कैरी द सेम डिस्चार्ज एट ऑल द टाइम, हेंस द रेशियो ऑफ द मीन डिस्चार्ज ऑफ अ कैनाल फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन टू इट्स मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी फैक्टर। नाउ ड्यूटी ऑन कैपेसिटी और फुल सप्लाई कोफिशियंट, ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया एस्टिमेटेड टू बी इरीगेटेड ड्यूरिंग द बेस पीरियड टू द डिज़ाइन फुल सप्लाई डिस्चार्ज एट द हेड ऑफ कैनाल, ठीक है। ये होता है ड्यूटी ऑन कैपेसिटी और फुल सप्लाई कैफिशियंट। नॉट टाइम फैक्टर क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज रन ड्यूरिंग अ वाटरिंग पीरियड टू द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द वाटरिंग पीरियड इज नोन एज टाइम फैक्टर, ठीक है। ये होता है टाइम फैक्टर, चलो समझ लिए। नाउ क्यूमिक्स डे, क्यूमिक्स डे क्या होता है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फॉर वन डे एट द रेट ऑफ वन क्यूमिक्स वन मीटर क्यूब पर सेकंड इज नोन एज क्यूमिक डे, ठीक है। नाउ ओवरलैप अलाउंस, ये क्या होता है, समटाइम्स क्रॉप ऑफ वन सीजन मे ओवरलैप द नेक्स्ट क्रॉप सीजन फॉर सेम पीरियड ड्यू टू विच एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैनाल डिस्चार्ज हैव टू बी डिक्रीज बाई सेम अमाउंट, सो द एक्स्ट्रा डिस्चार्ज ऑफ द कैनाल रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज इज नोन एज ओवरलैप अलाउंस। एग्जाम्पल क्या है इसके, शुगर केन। नाउ कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, देखो कैश क्रॉप्स मे बी डिफाइंड एज द क्रॉप विच हैज़ टू बी इनकैश्ड इन द मार्केट फॉर प्रोसेसिंग एक्सेट्रा प्रोसेसिंग पर्पज, इट कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली बाय द कल्टिवेटर्स। एग्जाम्पल क्या है, जूट, टी, कॉटन, टोबैको, शुगर केन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ना गलती हो गई, ये क्रॉप्स लाइक जूट, टी, कॉटन, टोबैको, शुगर केन एक्सेट्रा आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैश क्रॉप्स, ये कैश क्रॉप नहीं है। ओ चलो, नाउ ट्रांसपीरेशन रेशियो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल मास ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ टू द मास ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स विल ट्रांसपायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेंस वाटर कंज्यूमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंपेयर्ड बाय ट्रांसपीरेशन रेशियो। चलो क्रॉप कैलेंडर क्या है, एक टाइप का कैलेंडर है विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस
agronomic practices of the crops grown by the farmers. Now crop factor kya hota hai? It is a ratio between the evapotranspiration and reference evapotranspiration. Now carry over storage, ये क्या होता है? The storage of water, say about 5% of live storage required for the crop, for the next year, crop, as a protection against the late monsoons break, is called carry over storage. ठीक है, live storage, it is defined as the water stored in a tank or reservoir between full tank level or full reservoir level. ठीक है, एंड द लोवेस्ट सप्लाई लेवल, लोवेस्ट सप्लाई लेवल और फुल रिजर्वायर के बीच, रिजर्वायर लेवल के बीच में जो वाटर होगा उसको हम बोलते हैं लाइव स्टोरेज. डेड स्टोरेज ये क्या होता है? इट इज़ द वाटर स्टोर्ड बिटवीन द लो सप्लाई लेवल, ठीक है, लोवेस्ट सप्लाई लेवल एंड द डीपेस्ट रिवर बेड लेवल इन अ रिजर्वायर. ठीक है, दिस स्पेस इज अलाउ फॉर द सिल्टिंग अप एंड इज अबाउट 10% ऑफ द ग्रॉस स्टोरेज. नाउ ग्रॉस स्टोरेज क्या है? द ग्रॉस स्टोरेज इज डिफाइंड एज द स्टोरेज कैपेसिटी और द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिटवीन फुल टैंक लेवल एंड रिवर बेड लेवल. रिवर बेड लेवल और फुल टैंक लेवल के बीच में जो होगा वो ग्रॉस स्टोरेज होगा. ठीक है, तो ग्रॉस स्टोरेज इज इक्वल टू लाइव स्टोरेज प्लस डेड स्टोरेज. नाउ हम लोग वेरियस इरिगेशन एफिशिएंसीज क्या क्या होती हैं वो पढ़ेंगे. देखो पहले तो इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर यूज टू द वाटर सप्लाइड. अब जो कई टाइप्स की होती हैं, लाइक वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी, ये क्या होती है? देखो वाटर कव, इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, इट इज़ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर डाइवर्टेड इन द इनटू द कैनाल सिस्टम फ्रॉम द रिवर और रिजर्वायर. सॉरी गलती हो गया. देखो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी है, इट इज़ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द कैनाल सिस्टम. ठीक है, एक चीज़ नोट करो, द वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी अकाउंट फॉर द वाटर लॉसेस विच अकर इन कन्वीनियंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डाइवर्जन दैट इज इन कैनाल टू द फील्ड. ठीक है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है? देखो इट इज़ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड. ठीक है, नाउ आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की एफिशिएंसी क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी. ये क्या होती है? देखो इट इज़ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड बेनिफिशियली टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड. ठीक है, नाउ वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग द इरीगेशन टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल टू द फील्ड कैपेसिटी. ठीक है, सो एक चीज़ नोट करो, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस साल्ट इन द सॉइल वुड रिक्वायर दैट वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी शुड बी हाई इन ऑर्डर टू कीप द साल्ट्स वॉश्ड आउट फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या है? देखो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो होती है, इट इवेल्युएट्स द डिग्री टू विच वाटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रूट जोन ड्यूरिंग द इरिगेशन एंड हेंस इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट. इसका फॉर्मूला क्या है? 1 - y/d/100. वाई क्या है? इट इज़ द एवरेज न्यूमेरिकल डिविएशन इन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड फ्रॉम द एवरेज डेप्थ. एंड डी क्या है?
water is stored in the root zone during irrigation. Now consumptive use efficiency, ये क्या होती है? देखो, it is the ratio of normal consumptive use of water to the net amount of water depleted from the root zone. ये होती है water consumption efficiency. एक चीज़ नोट करो, the water consumptive efficiency account for the loss of water by the deep percolation and excessive evaporation. ठीक है, now हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स क्या हैं, मतलब पानी जो वाटर जो रिक्वायर होता है वो किस किस टाइप से होता है. देखो, द इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट मस्ट बी सप्लाइड बाय इरिगेशन टू सेटिस्फाई इवेपोट्रांसपिरेशन लीचिंग एंड अदर मिसलिनियस वाटर रिक्वायरमेंट्स दैट आर नॉट प्रोवाइडेड by stored water in the soil and precipitation that enters the soil. तो अब एक एक करके पढ़ते हैं हर टाइप के वाटर रिक्वायरमेंट. पहला जो है कंजम्पटिव इरीगेशन वाटर रिक्वायरमेंट. देखो ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इरीगेशन वाटर दैट इज रिक्वायर्ड टू मीट इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ अ क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ. सो इवेपोट्रांसपिरेशन जो होगा इसको CU से रिप्रेजेंट करेंगे और इफेक्टिव रेनफॉल जो होगी उसको RE से रिप्रेजेंट करेंगे. तो कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू इवेपोट्रांसपिरेशन माइनस इफेक्टिव रेनफॉल. ठीक है, नाउ नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इरीगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड एट द फील्ड टू मीट इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ अ क्रॉप एज वेल एज अदर नीड्स सच एज लीचिंग प्रीसोइंग वाटर रिक्वायरमेंट एंड नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट. तो नेट इरीगेशन वाटर रिक्वायरमेंट इट इज़ द सम ऑफ कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट लीचिंग रिक्वायरमेंट प्री स्विंग रिक्वायरमेंट एंड नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट. ये प्री स्विंग रिक्वायरमेंट और नर्सरी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, देखो प्री स्विंग वाटर रिक्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फील्ड प्रिपरेशन एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर गुड जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स. और नर्सरी रिक्वायरमेंट, द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर नर्सरी इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इन द केस ऑफ दोज क्रॉप्स विच आर सोन on nursery bed and are transplanted within few days after sowing when plant are a few centimeter tall. ठीक है, now next है field irrigation requirement. ये क्या होती हैं, the net irrigation water requirement plus the amount of water lost as surface runoff through deep percolation. ये हो गया field irrigation requirement. ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट ये क्या है, द फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट प्लस द अमाउंट ऑफ इरीगेशन वाटर लॉस्ट इन कन्वीनियंस थ्रू द कैनाल सिस्टम बाई वेपो ट्रांसपिरेशन एंड बाई सीपेज. ये हो गया ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट. चलो अब लोग देखेंगे कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर और वेपो ट्रांसपिरेशन, इसको डिटेल पढ़ेंगे क्या होती है. देखो, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर और वेपो ट्रांसपिरेशन इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बाई द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ अ गिवन एरिया इन ट्रांसपिरेशन एंड बिल्डिंग ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड दैट इवेपोरेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल इन द एरिया इन एनी स्पेसिफाइड टाइम. तो इसमें ट्रांसपिरेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर दैट एंटर्स द प्लांट रूट एंड इज यूज इन बिल्डिंग प्लांट टिश्यूज फाइनली पासेस इनटू द एटमॉस्फेयर इन द वेपर्स फॉर्म और थ्रू द
लीव्स ऑफ द प्लांट। इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल पासस इन टू द एटमोसफियर इन द वेपरस फॉर्म। सिंस ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन दैट आर नॉट ईजिली कंसीव्ड एज सेपरेट प्रोसेस दे आर थॉट ऑफ एज कम्बाइंड प्रोसेस एंड इज कॉल्ड इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है। वाटर डिपॉजिटेड ऑन द प्लांट लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यू और अ पोर्शन ऑफ रेन वाटर एज वेल एज स्प्रिंकल इरीगेशन वाटर इंटरसेप्टेड बाई द प्लांट लीव्स एंड सब्सिक्वेंटली इवेपरेटेड विदाउट एंट्रिंग इन टू प्लांट सिस्टम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अ पार्ट ऑफ द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। तो कंजम्पटिव यूज इज एक्सप्रेस्ड एज इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर ओवर एन एरिया एट अ गिवन टाइम पीरियड। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर पर डे। नाउ द फैक्टर्स क्या क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर को? जो इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, प्रेसिपिटेशन, डे टाइम आवर्स, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, सॉइल टाइप एंड टोपोग्राफी, ये सब फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। और भी फैक्टर्स हैं जैसे टाइप ऑफ क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न, मेथड ऑफ इरिगेशन, क्वांटिटी ऑफ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से कंजम्पटिव वाटर जो है इवेपो ट्रांसपिरेशन अफेक्टेड होता है। नाउ हम लोग डिफरेंस समझेंगे बिटवीन पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन एंड एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, ये क्या होते हैं? देखो, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इफ़ अ क्रॉप कम्प्लीटली कवर्स द ग्राउंड सर्फेस, इवेपो ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस इंटायरली थ्रू द प्लांट्स एंड इफ द रूट्स कैन एब्जॉर्ब वाटर एट अ सफिशियंटली हाई रेट द वाटर ट्रांसफर इज कंट्रोल्ड बाई द क्लाइमेट एलोन। दिस रेट ऑफ यूज ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है? द वाटर दैट इज अवेलेबल टू प्लांट्स वेरीज कंसिडरेबली एंड द रेट ऑफ एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन कैन फॉल बिलो द पोटेंशियल रेट अंडर नेचुरल कंडीशंस। दस एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन इज नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स बट आल्सो ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड विथ प्लांट एंड सॉइल। ठीक है। तो इफ द वाटर सप्लाई इज लेस देन पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन देन सॉइल स्टार्ट ड्राइंग, मरना स्टार्ट हो जाएगी। सो द रेशियो ऑफ एक्चुअल इवेपोरेशन टू द पोटेंशियल इवेपोरेशन अगर लेस देन वन है तो प्लांट्स की ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी, सूखने लगेंगे। फॉर क्ले सॉइल रेशियो ऑफ एक्चुअल इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन टू पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन इज नियरली 50% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर एंड व्हेन द सॉइल मॉइस्चर स्टेटस रीचेस द अल्टीमेट मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस टू जीरो। ठीक है। नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू फाइंड द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर? क्या क्या मेथड है? पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है। दूसरा होता है बाय द यूज ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं। पहला है सॉइल मॉइस्चर स्टडीज ऑन प्लॉट्स। दूसरा है टैंक और लाइजीमीटर मेथड। तीसरा है फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। चौथा है इरिगेशन मेथड एंड पांचवा है इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडीज फॉर लार्ज क्रॉप्स। एक एक करके देखते हैं। सॉइल मॉइस्चर स्टडीज ऑन प्लॉट्स, इसमें क्या करते हैं? इट इज यूजली एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इन द इरिगेशन फील्ड। सॉइल सैंपल्स आर टेकन बिफोर एंड आफ्टर इरिगेशन विद सम सैंपल्स बिटवीन द इरिगेशन। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल इज डिटरमाइंड बाई द स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मैथड्स। ठीक है।
ठीक है, नाउ टैंक और लाइजीमीटर मेथड क्या है? द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाई मेजरिंग द क्वान्टिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, विद इन द टैंक. द लाइजीमीटर इज सिमिलर टू द टैंक विद द डिफरेंस इज दैट लाइजीमीटर हैव परवियस बॉटम्स. नोट करो एक चीज़, द एडवांटेज इन केस ऑफ लाइजीमीटर इज दैट ग्रेविटी फ्लो इज परमिटेड एंड हेंस कंडीशंस मोर क्लोज टू द नेचुरल वंस. एंड फाइटोमीटर क्या होता है? दीज आर द क्लोज्ड ग्लास चैम्बर्स इन विच प्लांट आर ग्रोन इन ऑर्डर टू फाइंड द कंजम्पटिव यूज, ठीक है. नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड क्या है? फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स. देखो, इन दिस मेथड इरीगेशन वाटर इज अप्लाइड टू सेलेक्टेड फील्ड प्लॉट इन सच अ वे दैट देयर इज नाइदर रन ऑफ नॉर डीप परकुलेशन बट क्वान्टिटी ऑफ वाटर अप्लाइड इज सफिशियंट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, ठीक. तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज देन गिवन बाई द क्वान्टिटी ऑफ वाटर अप्लाइड, इस तरह से निकाल सकते हैं. इरीगेशन मेथड्स, इन दिस मेथड कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाई द समेसन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, पहला कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर ईच क्रॉप्स टाइम्स इट्स एरिया प्लस कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर नेचुरल वेजिटेशन टाइम्स इट्स एरिया प्लस इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर सरफेस टाइम्स वाटर सरफेस एरिया प्लस इवेपोरेशन फ्रॉम बेयर लैंड टाइम्स इट्स एरिया. इन सबको ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं. नाउ इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडीज फॉर लार्ज एरियाज, इस टाइप के डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर अ सिलेक्टेड एरिया. उससे हम लोग निकाल सकते हैं माइनस करके, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो माइनस जो भी है अदर लॉसेस. नाउ यूज ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला का यूज करके हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं? इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से फार्मूलाज आते हैं, मेथड आते हैं? ब्लेने क्रिडल मेथड, दूसरा है हार्ग्रीव्स क्लास ए पेन इवेपोरेशन मेथड, तीसरा है मॉडिफाइड पेनमैन मेथड, ठीक है. सबसे पहले देखेंगे ब्लेने क्रिडल मेथड. देखो, ब्लेने क्रिडल डेवलप्ड अ सिंप्लीफाइड फार्मूला इन विच कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज कोरिलेटेड विद द टेम्परेचर एंड डे टाइम आवर्स, ठीक है. ही स्टेट्स दैट मंथली कंजम्पटिव यूज इज गिवन बाई के इंटू पी बाई 40 इंटू 1.80 प्लस 32. इसमें टी क्या है? मीन मंथली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और के क्या है? क्रॉप फैक्टर, और पी क्या है? मंथली परसेंट ऑफ एनुअल डे लाइट आर्स दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड. इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी यू इक्वल टू के इंटू एफ, और सी यू इक्वल टू के इंटू सिग्मा एफ. इस फॉर्मूले में क्या होता है? द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर द एंटायर क्रॉप सीजन और द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर द एनी गिवन पीरियड इज गिवन बाई द सम ऑफ मंथली कंजम्पटिव यूज वैल्यूज. तो ये मंथली कंजम्पटिव यूज वैल्यू जब होंगी तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे. एक चीज़ नोट करो, द अबव फॉर्मूला इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ क्रॉप फैक्टर द वैल्यू ऑफ विच इज डिटरमाइंड फॉर ईच क्रॉप एंड फॉर डिफरेंट प्लेसेस. द फॉर्मूला डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द फैक्टर्स सच एज ह्यूमिडिटी विंड वेलोसिटी एलिवेशन एक्सेट्रा ऑन विच कंजम्पटिव यूज डिपेंड्स, ठीक है. नेक्स्ट एम्पिरिकल मेथड में क्या है? हार्ग्रीव्स क्लास ए पेन इवेपोरेशन मेथड. देखो, इन दिस मेथड रिलेट्स
pan evaporation by a constant k called consumptive use coefficient. तो k इज इक्वल टू evapotranspiration upon pan evaporation, मतलब क्या हो गया, evapotranspiration इज इक्वल टू k times pan evaporation. ठीक है, k निकाल लेंगे evapotranspiration, तो पता ही है क्लास ए पेन से, बस निकल आएगा कितना सी यू है इसका. चलो पेनमैन इक्वेशन क्या होती है, देखो दिस इक्वेशन हैज़ बिन डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग द एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोट्रांसपिरेशन रेस्पेक्टिवली. इट्स यूज इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर. ये इक्वेशन दी हुई है, देख लेना, उतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं. तो एक चीज़ नोट करो, तो जो हैग्रीव्स क्लास ए पेन इवेपोरेशन मेथड है वो जनरली यूज होता है इंडिया में. ठीक है, दूसरा क्या है, एनुअल इवेपोट्रांसपिरेशन वैल्यूज ऑब्टेंड फ्रॉम पेनमैन इक्वेशन आर क्वाइट क्लोज टू द वैल्यूज ऑब्टेंड फ्रॉम द एक्चुअल फील्ड ऑब्जर्वेशन मेड इन पेन इवेपोरेशन मेथड. ठीक है, ये हम लोग ने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ लिया. अब कैनाल इरीगेशन, देखो कैनाल क्या होती है, अ कैनाल मे बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल चैनल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर फ्रॉम अ रिवर और फ्रॉम अ टैंक और रिजर्वायर फॉर वेरियस पर्पजेस सच एज इरीगेशन, पावर जनरेशन, नेविगेशन एक्सेट्रा. ठीक है, जनरली जो है कैनाल्स का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रेपेजॉइडल लेते हैं हम लोग. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इरीगेशन कैनाल्स, किस किस टाइप की कैनाल्स होती हैं. इट कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कंसिडरेशंस. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई, पहला परमानेंट कैनाल्स, दूसरा इनुंडेशन कैनाल. ठीक है, तो पहला परमानेंट कैनाल में क्या होती हैं, द परमानेंट कैनाल्स इज द वन विच इज़ फेड बाय द परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लाई. दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पेरेनियल कैनाल्स एंड नॉन पेरेनियल कैनाल्स. नाउ इनुंडेशन कैनाल क्या होती हैं, देखो इनुंडेशन कैनाल इज़ द कैनाल विच गेट्स इट्स सप्लाई ओनली व्हेन वाटर लेवल इन द वाटर फ्रॉम विच इट टेक्स ऑफ राइजेस ड्यूरिंग द फ्लड. ठीक है, तो उस टाइप कैनाल जो होती हैं इनुंडेशन कैनाल होगी. नाउ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द कैनाल, कौन कौन सी, फीडर कैनाल एंड कैरियर कैनाल. तो फीडर कैनाल क्या होती हैं, दीज आर कंस्ट्रक्टेड ओनली टू फीड अनदर कैनाल लाइक इंदिरा गांधी फीडर कैनाल. कैरियर कैनाल क्या होती हैं, इट इज़ यूज बोथ फॉर इरीगेशन पर्पजेज एंड फॉर द वाटर फीडिंग टू अनदर कैनाल लाइक अपर चेनाब कैनाल इन वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान में है. नाउ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन अ गिवन नेटवर्क ऑफ कैनाल. देखो पहली जो है मेन कैनाल है, फिर ब्रांच कैनाल, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और सबसे लास्ट में वाटर कोर्स और फील्ड चैनल. तो एक एक करके देखते हैं. देखो मेन कैनाल क्या होता है, इट टेक्स ऑफ एट हेडवर्क डायरेक्टली फ्रॉम अ रिवर और रिजर्वर और फ्रॉम द टेल एंड ऑफ अ फीडर कैनाल. जो डायरेक्ट इरीगेशन इज नॉट यूजली कैरीड आउट फ्रॉम इट सिंस अ वेरी हाई डिस्चार्ज इज कन्वेड. ठीक है, जो हो गया मेन कैनाल. ब्रांच कैनाल आती है फिर, ये क्या होती है, ब्रांच कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम द मेन कैनाल ऑन द आइदर साइड. इट जनरली कैरीज डिस्चार्ज ओवर 5 cubic meters. द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रांच कैनाल इज टू सप्लाई वाटर टू मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज. नाउ मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, इट टेक ऑफ फ्रॉम द ब्रांच कैनाल एंड इट इज जनरली यूज फॉर डायरेक्ट इरीगेशन. हैंस दे सप्लाई वाटर थ्रू आउटलेट्स टू द वाटर कोर्स. डिस्चार्ज होता है 0.25 to 5 cubic meters होता है. माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, दीज आर द इरीगेशन चैनल्स विच टेक ऑफ फ्रॉम मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज. ठीक है, डिस्चार्ज होता है इसमें लेस देन 0.25 cubic meters होता है.
नाउ वाटर कोर्स ऑफ फील्ड चैनल क्या होते हैं? देखो, दीज आर द स्मॉल चैनल्स विच कैरी वाटर फ्रॉम द आउटलेट ऑफ अ मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और अ ब्रांच कैनाल टू द फील्ड टू बी इरीगेटेड. बियॉन्ड द आउटलेट वाटर इज हैंडल्ड बाई द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स. ठीक है, दीज आर ओन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड एंड कंट्रोल्ड एंड मेंटेन बाई द कल्टिवेटर्स. जो वाटर कोर्स ऑफ फील्ड चैनल्स हैं, जो एक से चार तक हम लोगों ने देखी शुरुआत में, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, ठीक है, माइनर कैनाल, कौन कौन सी देखी थी, यही सब देखी थी. ये जो होती हैं कंस्ट्रक्टेड और मेंटेन बाय द स्टेट होती हैं. नाउ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैनाल अलाइनमेंट. देखो, कैनाल अलाइनमेंट किस हिसाब से, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन जो होता है, पहला होती है रिच कैनाल और वाटर सेट कैनाल, दूसरी कंटूर कैनाल, एंड तीसरी होती है साइड स्लोप कैनाल. तो रिच कैनाल क्या होती है, देखो, इट इज़ अ कैनाल विच इज़ अलाइंड अलॉन्ग द रिज और द नेचुरल वाटर सेड लाइन. ठीक है, ये होती है रिच कैनाल. और रिच कैनाल में क्या होता है, वाटर सेट कैनाल में, इट कैन इरीगेट एरियाज ऑन द बोथ साइड एंड इट डज नॉट क्रॉस ड्रेनेज लाइन. फॉर दिस कैनाल क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आर नॉट रिक्वायर्ड जनरली एंड इट कैन बी प्रोवाइडेड इन द प्लेन एरियाज और जो क्वाइट इकोनॉमिकल होती हैं. कंटूर कैनाल क्या होती है, देखो, दिस कैनाल्स आर अलाइंड नियरली पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द कंट्री. ठीक है, इट कैन इरीगेट एरियाज ओनली ऑन द वन साइड एंड इन द कंटूर कैनाल इट हैज़ टू क्रॉस द ड्रेनेज एंड हेंस फॉर दिस कैनाल क्रॉस ड्रेनेज वर्क आर रिक्वायर्ड. ठीक है, एंड इट इज जनरली प्रोवाइडेड इन हिली एरियाज. साइड स्लोप कैनाल क्या है, दीज आर द कैनाल्स विच इज अलाइंड एट राइट एंगल टू द कंटूर ऑफ द कंट्री. ठीक है, ये साइड स्लोप कैनाल होगी. दीज रन्स पैरेलल टू द नेचुरल ड्रेनेज ऑफ द कंट्री एंड इट डज नॉट इंटरसेप्ट ड्रेनेज एंड हेंस क्रॉस ड्रेनेज वर्क आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, अब नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल आउटपुट. एक होगी प्रोडक्टिव, एक होगी प्रोटेक्टिव. प्रोडक्टिव में क्या होगा, दे यील्ड्स एनफ रेवेन्यू. और प्रोटेक्टिव क्या होती हैं, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एज अ रिलीफ वर्क ड्यूरिंग फेमाइन. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉइल थ्रू विच इट इज कंस्ट्रक्टेड. पहली हो गई एल्यूवियल, जो एल्यूवियल सॉइल में कंस्ट्रक्ट होती है. दूसरी हो गई नॉन एल्यूवियल, जो है नॉन एल्यूवियल सॉइल में, लाइक जैसे कि बोल्डर सॉइल हो गई जिसमें रिजिड बैंक होता है, उसमें कंस्ट्रक्ट होती है नॉन एल्यूवियल कैनाल. ठीक है, नाउ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लाइनिंग अनलाइंड कैनाल एंड लाइन कैनाल्स. ठीक है, नाउ कैनाल अलाइनमेंट, कैसा अलाइनमेंट होना चाहिए कैनाल अलाइनमेंट. फॉर द अलाइनमेंट ऑफ अ इरीगेशन कैनाल जो कंसिडरेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं. पहला है, इरीगेशन कैनाल शुड बी अलाइंड इन सच अ वे दैट द मैक्सिमम एरिया इज इरीगेटेड विद द लीस्ट लेंथ ऑफ द चैनल एंड इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज मिनिमम. ठीक है, एक पॉइंट और क्या है, द कर्व शुड बी अवॉइडेड इन द अलाइनमेंट ऑफ कैनाल. ठीक है, बिकॉज द कर्व लीड टू डिस्टर्बेंसेस ऑफ द फ्लो एंड टेंडेंसी टू सिल्ट ऑन द इनसाइड एंड टू स्कोर ऑन द आउटसाइड ऑफ द कर्व इंक्रीजेस. ठीक है, और जो एक और पॉइंट क्या है, द अलाइनमेंट ऑफ द कैनाल शुड बी सच दैट द आइडल लेंथ, मतलब वो लेंथ जिसमें जो है इरीगेशन नहीं हो रहा है जिस लेंथ से, इज मिनिमम. ठीक है, नाउ द अलाइनमेंट शुड बी सच दैट इट बैलेंसेस द कटिंग एंड फिलिंग. नाउ एक चीज़ नोट करो, द अलाइनमेंट ऑफ कैनाल शुड बी सच दैट फ्रॉम द पॉइंट्स वेयर इट टेक्स ऑफ फ्रॉम द रिवर इट माउंट्स द वाटर सेड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस. फॉर दिस इफ नेसेसरी द लोकेशन ऑफ द डाइवर्जन हेड
वर्क में आल्सो बी सुटेबली एडजस्टेड। ठीक है, अब ये वाटर बंदी क्या होती है? देखो वाटर बंदी रोटेशनल मेथड क्या होता है, इट इन दिस सिस्टम वाटर फ्रॉम द सोर्स इज कैरीड बाय द मेन कैनाल दैट फीड्स टू और मोर ब्रांचेस विच ऑपरेट्स बाय रोटेशन। इन दिस सिस्टम इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बाय टर्न्स अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड शेड्यूल स्पेसिफाइंग द डे टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ सप्लाई टू ईच इरीगेटेड इरीगेशन इरीगेटर इन प्रोपोर्शन टू लैंड होल्डिंग्स इन द आउटलेट कमांड। ठीक है, रोस्टर ऑफ टर्न क्या होता है? द साइकिल ऑफ टर्न ऑन अ वाटर कोर्स और इट्स ब्रांच स्टार्ट फ्रॉम इट्स हेड प्रोसीड्स डाउन स्ट्रीम एंड एंड्स एट द टेल। ठीक है, नाउ क्या कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे किसान लोग यूज़ करते हैं फील्ड में? द प्रैक्टिसेस सच एज सुटेबल टिलेज एंड लैंड ग्रेडिंग फर्टिलाइजर यूज एप्रोप्रिएट क्रॉपिंग पैटर्न मल्चिंग वीट कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल एंड अदर इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक मेजर्स हेल्प इन इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर एंड हेंस वाटर यूज एफिशेंसी इंक्रीजेस। ठीक है, तो टिलेज क्या है? देखो, इट इज़ द एग्रीकल्चरल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाई मैकेनिकल एजिटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज डिगिंग स्टीरिंग एंड ओवरटर्निंग। यूज ऑफ फर्टिलाइजर में क्या होता है? द यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन्हेंसेस वाटर यूज एफिशेंसी एंड इट ऑल्सो प्रोमोट्स डीपर एंड मोर प्रोफ्यूज रूट सिस्टम विच एक्सट्रैक्ट मोर वाटर स्टोर्ड इन द डीप सॉइल लेयर्स। ठीक है, मल्चिंग इसमें क्या होता है? मल्चिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेडिंग एन एक्सट्रेनियस मटेरियल ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल टू इंक्रीज वाटर इन्फिल्ट्रेशन एंड इट चेक इवेपोरेशन रिड्यूस सॉइल इरोजन इम्प्रूव सॉइल इन्वायरमेंट एंड सप्रेस वीड्स। एक चीज़ नोट करो, द वेरियस टाइप ऑफ मल्चेस क्या है? पेपर पॉलीथीन फिल्म क्रॉप रेजिड्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग ने आज पढ़ा। आज हम लोग ने वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड कैनाल इरिगेशन इसके बारे में पढ़ा, मतलब क्या क्या कितना क्या वाटर कैसे यूज होता है और कैनाल से कैसे कहाँ क्यों और क्यों कब तक यूज इरिगेट करते हैं वो सब देखा। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि लिमिटिंग सॉइल मॉइस्चर कंडीशन क्या है प्लांट्स के लिए क्रॉप्स के लिए क्रॉप सीजन एंड वेरियस क्रॉप्स ऑफ क्रॉप्स जो होती हैं उस सीजन्स में उसके बारे में जाना। हम लोगों ने क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड उसके बारे में जाना, ड्यूटी ऑफ वाटर और डेल्टा के बारे में जाना, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा वो भी हम लोगों ने निकाला कैसे क्या होता है। हम लोगों ने यही पता किया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्यूटी को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस मतलब कि मेन कैनाल में और फिर ब्रांच में और डिस्ट्रीब्यूटी में कैसे बढ़ रही है घट रही है ये जाना, घटती है जैसे जैसे डाउन पोर्शन जाते हैं। फिर हम लोगों ने जाना क्या क्या मेथड होते हैं ड्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी जैसे कमांड एरिया ग्रॉस कमांड एरिया कल्चरेबल कमांड एरिया इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन क्रॉप रेशियो पेलियो इरीगेशन कोर वाटरिंग कोर डेप्थ कोर पीरियड आउटलेट फैक्टर कैपेसिटी फैक्टर ड्यूटी ऑन कैपेसिटी फुल सप्लाई कोफिशियंट टाइम फैक्टर क्यूबिक्स डे ओवर डे ओवरलैप अलाउंस कैश क्रॉप ट्रांसपिरेशन क्रॉप कैलेंडर क्रॉप फैक्टर कैरी ओवर स्टोरेज लाइव स्टोरेज डेड स्टोरेज ग्रॉस स्टोरेज ये सब हम लोगों ने जाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ इरिगेशन एफिशिएंसीज मेनली 6 टाइप की होती हैं उनके बारे में देखा कौन कौन सी, वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी वाटर यूज एफिशिएंसी वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी एंड लास्ट इज कंजम्पटिव यूज एफिशिएंसी।
ठीक है, ये सब हम लोग ने जाना। और उसके बाद हम लोग ने देखा इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स क्या है, मतलब कि पानी का कैसे रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स को। उसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखी, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट जाना, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है वो जाना, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट जाना, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट जाना, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने जाना कि कंजम्पटिव यूज़ क्या होता है, उसको डिटेल रूप में पढ़ा, ठीक है। फिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर को, ये भी जाना। फिर इवेपोट्रांसपिरेशन के बारे में जाना, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, ये सब जाना। फिर क्या क्या मेथड्स हैं कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर निकालने के लिए, मेनली दो मेथड जो होते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड और एम्पिरिकल फार्मूला मेथड, इनके बारे में पढ़ा। इनके बारे में डायरेक्ट पहले पढ़ा डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड, इसमें क्या क्या पढ़ा, सॉइल मॉइस्चर स्टडी पढ़ी, लैंक और टैंक और लाइजीमीटर मेथड पढ़ा। और उसके बाद हम लोग ने फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स मेथड पढ़ा, इरिगेशन मेथड्स पढ़े वेरियस क्या हैं, और इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडीज़ पढ़ी कैसे होता है। फिर उन्होंने एम्पिरिकल फार्मूला भी समझे जो जो इनकी हेल्प से हम लोग इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजम्पटिव यूज निकाल सकते हैं। पहला जाना कि ब्लेने क्रिडल मेथड, इसमें क्या होता है। फिर पढ़ा हम लोग ने हेयरग्रीव्स क्लास ए पेन इवेपोरेशन मेथड, और फिर पेनमैन इक्वेशन, ये सब पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग ने जाना कैनाल वाले पार्ट, कैनाल इरिगेशन क्या होती है उसके बारे में जाना। फिर जाना हम लोग ने किस टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इरिगेशन कैनाल को, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सप्लाई, बेस्ड ऑन और कैसे फंक्शन ऑफ द कैनाल, बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन अ गिवन नेटवर्क ऑफ द कैनाल, और फिर और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कैनाल अलाइनमेंट, ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन जाना। और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल आउटपुट, बेस्ड ऑन द सॉइल थ्रू विच इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, दिस कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड, और बेस्ड ऑन द लाइनिंग, ये सब जाना। फिर जाना कि कैनाल का अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब पढ़ी। फिर वाटर बंदी और रोटेशनल मेथड क्या होता है वो भी देखा, वेरियस कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो हमारे फार्मर्स यूज करते हैं फील्ड में, वो सब जाना, ठीक है। काफ़ी लंबा चैप्टर था, चलो हो गया, थैंक यू।